डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। द क्वेश्चन गिवन इज इन अ क्लास देयर आर 18 बॉयज हु आर 160 सेंटीमीटर टॉल। इफ दीस बॉयज कॉन्स्टिट्यूट द 3/4 ऑफ द बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो अगर हम देखें, हम मान लेते हैं टोटल बॉयज is x और ये 3/4 of the total boys is equal to 18 हमें given है, तो x होगा 18 into 4 by 3, they cancel out to get 6, that means x is equal to 24, the total number of boys are 24. अब हम मान लेते हैं total students जो हैं, total students ये y है और हमें given है 2/3 of the number of students in the class, तो ये boys है, तो 2/3 ऑफ y इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 24, तो y हो जाएगा 3 × 24/2, दैट इज इक्वल टू 36, तो टोटल स्टूडेंट्स 36 हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स हमें जो फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज 36 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू 12, मतलब क्लास में 12 गर्ल्स हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।